बिस्मिल्ला वी आर डूइंग डूंग मैथड जिसका हम लोग एफ आर एम के साथ इम्प्लीकेशन देख रहे थे कि हमारी रिस्क मैनेजमेंट के साथ हम कैसे ये लिंकेज हैं तो वी अबाउट द बेसिक्स के सेंट्रल ऑफ टेंडेंसी क्या है जिसमें हमने मीन से थोड़ा स्टार्ट किया था कि वट इज़ मीन जिसकी बेसिक हमने एडवाटेज़ की भी बात की थी और अर्थमेटिक और उसके टाइप्स की बात की तो ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज इम्पॉर्टेंट एरिया ये आगे इसको हम इसलिए थोड़ा कॉन्टिन्यू करेंगे तो नेक्स्ट इज मीडियन मीडियन इज द स्टैटिस्टिकल वैल्यू लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द सेट ऑफ डाटा जो यानी कि आपके पास जो डाटा है उसको सारे को आप डाउन कर लें जो मिड में आएगा सेंटर में आएगा दैट इज मीडियन अगर तो वो ऑर्ड नंबर होंगे तो वो दैट्स वेरी इजीली द मिडल पॉइंट और अगर वो इवन नंबर होंगे इन दैट सरकम जो मिड के दो पॉइंट होंगे उनकी आप एवरेज ले लेंगे दैट विल बी रेफर टू एज मीडियन ये भी बेसिक बात है नॉर्मली नो बट उटलायर्स तो तो उनको ये कैप्चर कर लेगा क्योंकि हम मिड वाले पार्ट में ज्यादा फोकस है तो वी यार हम लोग देखना भी सेंट्रल टेंडेंसी चाह रहे हैं तो वो मिड वाले पार्ट को इसमें थोड़ा ज्यादा बेहतर तरीके से कैप्चर किया जा सकता है फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें वी हैव अ सेट ऑफ डाटा पहले तो आपको इसको सॉर्ट करना पड़ेगा इन अ सीक्वेंस ये अभी हमने सॉर्ट किया हुआ अगर रैंडमली लिखा होगा तो यू शुड पुट इट इन अ ऑर्डर तो इन दिस ऑर्डर यू कैन सी देर आर अ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड दे आर इन ईवन नंबर तो ईवन नंबर में है तो इसका मतलब हमने बात की थी अभी पहले कि आप मिड के दो ले लेंगे एंड यू टेक द एवरेज ऑफ दैट तो इसके मिडिल टू पॉइंट्स में हमारे पास जो आ रही है स्टार्टिंग विद 9.8 गोइंग टू 17 मिड में जो हमारे पास दो आ रहे हैं वो लकीली सेम नंबर आ रहा है थर्टीन परसेंट अगर ये को वेरियड होता तो अभी कोई इतना मसला नहीं था तो वी टेक बोथ ऑफ दीस थर्टीन थर्टीन एंड टेक एन एवरेज ऑफ दैट सो वील से मीडियन जो है हमारा इस मोड इस डेटे पे दैट इज थर्टीन परसेंट तो ये जो एक्सट्रीम आउटलायर्स थे उनको थोड़ा सा कैप्चर कर लेता है और ये एक हमारे लिए मिडल पॉइंट को बेहतर तरीके से बता देता है देन अनदर मैथड इज मोड मोड ज्यादा इलिस्ट्रेटिव है वेरी सिंपल टू डू इट जो डेटे में सेट ऑफ डाटा जो रिपीटेडली आ रहा है या मोस्ट ऑफ द टाइम आ रहा है जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है उसको हम कहते हैं मोड ये एक लेमैन के लिए भी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा है क्योंकि मेनली ज्यादा अगर आपको दस आपने आइटम्स uh, ली हैं उसमें से एक फिगर चार दफा आ रही है तो वी और बाकी सब कोई एक दफा आ रही है कोई दो दफा तो मोड इज दैट फोर विच इज कमिंग रिपीटेडली जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है दैट इज द मोड वन ऑफ द मेजर मेरिट इज दैट इट कैन बी टर्मिन फ्रॉम इनकम्प्लीट डाटा अगर आपके पास पूरी पिक्चर नहीं है आपके पास रेंडमली डाटा आ गया और आपके पास पूरे ईयर भी नहीं है और आपने उसमें कुछ एनालिसिस करना है तो इनकम्प्लीट डाटा पे भी आप बात कर सकते हैं कि जी इसका मोड यह है क्योंकि जितने भी हमारे पास मिली थी उसमें से हाइस्ट फ्रिक्वेंसी इस फैक्टर की आ रही है तो वो एक रॉ डेटा को मीनिंगफुली बनाने में ये मोड कैन बी वेरी हेल्पफुल इवन इफ द डेटा इज़ इनकम्प्लीट कम्प्लीट हो जाए तो फिर तो सिचुएशन फ़र्क है बट इनकम्प्लीट डाटा में भी मोड जो है वो काफ़ी बेनिफिशियल हो जाता है फॉर एग्जांपल देख लें ये हमारे पास एक सेट ऑफ डाटा है उसमें ट्वेंटी भी है ट्वेंटी थर्ड भी है सिक्सटीन भी है बट मूविंग ऑन वी कैन सी बाई लुकिंग एट द डाटा कि इसमें ट्वेंटी का नंबर रिपीटडली आया है वेयर एज सिक्सटीन शायद दो दफ़ा आया लेकिन ट्वेंटी जो है हमारा फोर टाइम्स आया है. तो विट विल से मोड इज सिक्सटीन नो विल से मोड इज ट्वेंटी बिकॉज उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है इस सेट ऑफ तो डाटा में एक और मीन की एक्सटेंशन है दैट इज ज्योमेट्रिक मीन ज्योमेट्रिक मीन जरा स्पेसिफिकली ज्यादा यूज हो रहा होता है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पीरियड्स फॉर विच द सम डेटा इज रिलेटेड ग्रोथ्स की बात करते हैं कि हम कहें जी एक साल हमने ये कमाया दूसरे साल ये कमाया तो ओवर द पीरियड कितना कमाया तो वी डू टू यूज द मैकेनिज्म ऑफ ग्रोथ तो इसमें हम मल्टीप्लीकेटिव मोड में चल रहे होते हैं वी टेक ऑब्जर्वेशन मल्टीप्लाई देम एंड वी टेक द एन रूट ताकि वो हमारे पास उसका फ्रैक्शन आ जाता है अभी हम इसकी एक इलिस्ट्रेशन भी देख लेंगे तो विल हैव अ बेटर आइडिया नॉर्डनरी शेयर फ्रॉम अ अटन कंपनी रजिस्टर्ड फॉलोइंग रिटर्नस एक शेयर के ये रिटर्न हमें दे दिए छः सालों के पहले साल उसने माइनस फोर कमाया लॉस भी हो सकता है शेयर इज़ नॉट फिक्सड इनकम इंस्ट्रूमेंट तो नहीं है उसमें भी खैर कहीं में लॉस होता है लेकिन इसमें तो लॉस पॉसिबल है फोर टू फिफ्टीन तक इस तरह ये जा रहा है अब इसको कैलकुलेट करना है अच्छा इसमें एक रूल ये है कि आपने नेगेटिव नंबर को नहीं डालना डेटा में विल टेक इट कन्वर्ट इट टू फैक्टर के अगर मुझे फोर का लॉस है तो इसका मतलब है हंड्रेड से अगर मैं स्टार्ट करूँ तो आई एल रीच टू पॉइंट नाइन सिक्स तो यू टेक एड नंबर ऑफ वन विद रिटर्न एंड देन यूज देम तो वन में आपने माइनस किया फोर तो वो आ गया पॉइंट नाइन सिक्स टू प्लस किया तो वन पॉइंट जीरो टू इस तरह इन सबको आपने लेके यू हैव अ मल्टीप्लाई ऑफ दैट और फिर आपने इनकी जो है वो क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सिक्स हैं तो वी वी टेक अ सिक्स रूट ऑफ ऑफ इट इट एंड डिडक्ट वन विद सो गेट रिटर्न अगर हम ये अर्थमेटिक वगैरह करते तो वो बहुत ही ट्रू पिक्चर नहीं देनी थी ये अब हम क्या कह रहे हैं कि इस शेयर ने ओवर द पीरियड सेवन पॉइंट सिक्स परसेंट रिटर्न कमाया है ऑन एन एवरेज कुछ कभी बड़ा भी था कभी लॉस भी हुआ है कभी बहुत ज़्यादा गेन भी हुआ है पंद्रह परसेंट का कभी चार परसेंट का लॉस भी हुआ है बट द इसका जो जो दूसराट्रिक मीन है वो सेवन पॉइंट सिक्स हैल्सो फ्रीकुनली यूज देन अनादर इज हारमोनिक मीन और uh, एनालिस्ट इसको ज्यादातर दा यूज करते हैं जब इकोनमीज और एसेट्स की जब आपने रिटर्न्स कैलकुलेट कर रहे होते हैं इसमें हम बेसिकली एज अ फ्रैक्शन उसको देख के हम रूट कर रहे होते हैं ये भी कैसे होगा यू कैन सी दैट फॉर लास्ट थ्री मंथ टू थाउजेंड फाइव द प्राइस ऑफ स्टॉक बॉस फोर फाइव और सेवन ये उसकी प्राइसिंग थी कंप्यूट एवरेज कॉस्ट हम इसकी एवरेज निकालते हैं अब ये हम बात कर रहे हैं हारमोनिक की हारमोनिक में फिर हम क्या करेंगे वन ओवर फोर वन ओवर फाइव एंड वन ओवर सेवन फ्रैक्शन में हमने ले लिया और इसके जो सम को है ये हमने इसके नंबर नंबर से डिवाइड डिवाइड कर लिया ऑफ तो 3 sum, तो बाय देयर फ्रैक्शन सम वी गेट द ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था तो एक आपको फाइव पॉइंट जीरो सिक्स आ रहा है बट अगर हम ये जब डेटा ज्यादा होता है या वेरिएशन ज्यादा होती है कि शेयर की प्राइस ट्वेंटी हो फिर थर्टी पे भी चली जाए फिर हंड्रेड पे फिर इवन फोर्टी फाइव पे इन दैट सर्कमस्टांसिस इसका इम्पैक्ट ज्यादा आ जाता है और ये नॉर्मल एवरेज से थोड़ा डिफर कर जाता है सो दिस इज हाउ इट रिलेट और ये इसकी हारमोनिक की फैक्टर है कि ये कैसे कैलकुलेट होगा अब मीन का बेस्ट यूज है हमने बताया कि डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट मोड्स कैन बी मोर हेल्पफुल बट मीन इज यूजली बेस्ट मेयर ऑफ सेंट्रल वेन डेटा डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉन्ट कॉन्टीन्यूस है और सिमेट्रिकल सिमेट्रिकल वेन वी से अभी इसके बाद हमने आगे भी करनी है कि वैन इट इज हैविंग अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि जो सेंटर से दोनों साइडों की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेम है उस सिचुएशन में मीन इज द बेस्ट अगर उसके अलावा वेरिएशन आएगी देन वी हैव टू सी अदर फॉर्म्स ऑफ जो हमने अभी सेंट्रल टेंडेंसी देखी है कि वो कहीं ज्यादा बेहतर हो जाती है जैसे अभी हमने पहले बात की थी इनकम्प्लीट डेटा में मोड ज्यादा अच्छा है तो सिमिलरली वी हैव टू सी सिचुएशनल थैंक यू